जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ दामोदर राव और आज हम लोग फिर रिदम म्यूजिक स्टूडियो में उपस्थित हैं। आपकी चहेती नई गायिका तो नहीं है, पहले भी गा चुकी है, खुशबू श्री। जी हाँ, खुशबू श्री आज बहुत सुंदर गाना गाई। मैं इनको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छा इन्होंने आज गाना गाया। काफ़ी सुधार है। थोड़ा सा प्रोग्राम ज़्यादा होता रहता है और व्यस्तता ज़्यादा, इसलिए रियाज पे गले पे ध्यान नहीं दे पाता है आदमी, लेकिन धीरे धीरे सब सुधार हो जाएगा। खुशबूश्री जी, बताइए आपको कैसा लगा, क्या गाना था, आप अपने दर्शकों को बोला गाना क्या? गाना मैं क्या बोलूँ, तो इतना ही इतना मतलब इतना प्यारा सॉन्ग था और मुझे गा के बहुत मज़ा आया। और क्या गाने में क्या फील है, मतलब पहले की अपेक्षा ये गाना, बाप रे, बहुत सुंदर और बहुत ही बढ़िया। और सर का कंपोजिशन तो आप लोगों को पता ही है, तो मुखड़ा आप सुना सुपर्ब दीजिए। है। तो मैं सुनाती हूँ मुखड़ा। क्या था? आज भी दिल रोता है बेवफा तेरी याद में, आज आज भी भी दिल दिल रोता रोता है है बेवफा बेवफा तेरी तेरी याद याद में, में, दिल दिल तड़पता तड़पता है मेरा बेवफा बेवफा तेरी तेरी याद याद में, में, आज आज भी भी दिल दिल रोता रोता है है बेवफा बेवफा तेरी तेरी याद याद में, में, आज आज भी भी दिल दिल रोता रोता है है बेवफा बेवफा तेरी तेरी याद याद में। में। वाकई खुशबू जी बहुत अच्छा गाती हैं। खुशबू नाम से तो बहुत सारे सिंगर हैं जो गाती हैं, लेकिन ये किसी से कम नहीं है, बहुत अच्छा गाती है। मुझे मैं सर का हमारे पास प्यार है, सभी गाते हैं आशीर्वाद है। तो काफ़ी अच्छा गाती हैं और गाई हैं आज गाना, और आज बहुत सुंदर गाना रिकॉर्ड हुआ। और मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से मैं ये एक सतर्क करना चाहता हूँ, एक अलर्ट है कि अभी, क्योंकि हर जगह ये चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तो देश ही अपना संकट में आप देख रहे हैं, दिल्ली में शाहीन बाग, कौन कौन कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, पता नहीं लोगों की क्या समझ है, कैसे समझाया जाए, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ये बड़ा विकट परिस्थिति है। चलिए, ईश्वर है, सब करेगा। अभी जो चाइना में जो बीमारी जो चल रही है, कोरोना वायरस जो है, जिससे बहुत सारा वहाँ पे नुकसान हो चुका है, और चाइना में सब गाड़ी, यातायात, एयरपोर्ट सारे लगभग बंद हो चुके हैं। वहाँ से आने वाले इंडिया में भी बड़ा सतर्कता से जांच किया जा रहा है, तब यहाँ पे एंट्री हो रही है, क्योंकि कोई बीमारी लेके आ जाएगा, आने का संकेत है कि शायद आ सकता है, लेकिन थोड़ी सतर्कता बरतनी है कि थोड़ा खान पान पे परहेज चाहिए, थोड़ा मांस मछली से आप लोग परहेज कीजिए, समुद्र की चीज़ों को मत खाइए, आप कुल्फी मत खाइए, आइसक्रीम मत खाइए, बर्फ़ के गोले मत खाइए, डब्बा बंद चीज़ों से थोड़ा सा परहेज कीजिए, और गर्म पानी का सेवन कीजिए हरदम, खुली चीज़ों को मत खाइए, और किसी से हाथ मिलाना है, क्योंकि हाथ मिलाने से भी बीमारी बढ़ रही है। अभी इसका इंडिया में कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इंडिया में ये अभी आया ही नहीं है, कहीं से कोई आया नहीं है। लोग अफवाह बता रहे हैं कि यहाँ पता चला है कोरोना बीमारी, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सतर्कता रहेगा तो आएगा भी नहीं। होशियारी से, समझदारी से इसको काम करना है, ताकि ये बीमारी फैले नहीं, और कहीं भी थोड़ी सी भी लक्षण हो, लक्षण क्या है, बस वही बुखार जैसा लगेगा, निमोनिया हो सकता है, सर्दी होगा, जुकाम होगा जो छूटेगा नहीं, सर दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, और डॉक्टर तो वही दवा देंगे जो पहले देते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि सावधानी रहेगी, सतर्क रहेगा। तो ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं बात करेंगे, आप कुछ बात करना है तो कर लीजिए। मैं क्या बोलूँ, बस सबका तहे दिल से धन्यवाद, जो कि सभी कोई मेरे गाने को पसंद कर रहे हैं। जी जी और जो मैंने पहला जो गाना गाया था, बहुत ही अच्छा व्यूवर्स, और आया था। हाँ बहुत ही अच्छा व्यूवर्स आया। और उस गाने से भी ये गाना जो मैंने गाया है तो और बेहतरीन सॉन्ग है, जी, तो मुझे इनके गाने पूरा को जरूर आप लोग पसंद कीजिएगा, खुशबू श्री लिखिएगा तो इनका गाना आ जाएगा, खुशबू श्री हिंदी सैड सॉन्ग लिखेंगे तो आ जाएगा। चलिए, 2 दिन बाद मात्र अब सरस्वती पूजा आने वाला है, तो सरस्वती पूजा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, माता सरस्वती की
शारदे माँ का कृपा आप सभी मित्रों पे हमेशा बनी रहे और उनका आशीर्वाद आप सभी को मिलता रहे। आप लोग अपने में भाईचारे का व्यवहार बना के रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जहाँ भी रहिए तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, जय हो एवं मंगलमय हो। थैंक यू, धन्यवाद।